हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट का आईटीआई में फोर्थ राउंड में नाम नहीं आया है या फिर फिफ्थ राउंड में नाम नहीं आया है, तो उनको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। उनकी पिछली चॉइस फिलिंग कोई मान्य नहीं रहेगी सिक्स राउंड के लिए। और मैं बता देता हूँ, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वो रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दी गई है, न्यू रजिस्ट्रेशन की। अभी तक जिन्होंने आईटीआई में एडमिशन नहीं लिया है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट है 15 अक्टूबर से और लास्ट डेट रहेगी आपकी 19 अक्टूबर। तो चॉइस फिलिंग की भी लास्ट डेट 19 अक्टूबर रहेगी और DST वालों की, IMC वालों की भी 15 से 19 तक ही रहेगी, और प्राइवेट वाले ITI वालों की भी 15 से 19 तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग रहेगी। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी सिक्स राउंड की, जो न्यू स्टूडेंट रहेंगे, तो जैसी मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और आपको ITI से जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई तुरंत ही देता हूं। और हो सके तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि बहुत दिन से रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर से, ITI के एडमिशन 8 अगस्त से चालू होकर के सितंबर और अक्टूबर यहां पे लग चुका है। तो अब जो ITI रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो ये लास्ट राउंड कहला सकता है। हो सकता है एक या दो राउंड और निकले, इसके बाद में जो ITI के एडमिशन नहीं हो पाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो है एडमिशन करवा लें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।